नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और जेल वार्डन की जो परीक्षा दोस्तों आगे आयोजित होनी है, उसके लिए दोस्तों 10 ऐसे उपयोगी प्रश्न हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षाओं में दोस्तों कई बार रिपीट हो गए हैं। 2013 और 2011 की परीक्षा में दोस्तों आए हुए प्रश्न हैं और 102 प्रश्न दोस्तों अभी जो 2019 में परीक्षा हुई है दोस्तों उसमें से भी इसमें शामिल किए गए हैं और ऐसे प्रश्न है दोस्तों कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना टाइम गवाए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूं जो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आए। निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? 2013 पुलिस भर्ती में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, तो कौन सी नदी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, ये है दोस्तों यानी इग्लू क्या है, यानी क्या है इग्लू? तो इग्लू दोस्तों क्या है? यह गुम्बद के आकार का एक घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है। वही सिल्ली जिसे दोस्तों आप अपने काम काज में लाते हो, यानी जो ब्याह बारात होती है जिसे दोस्तों आप संभाल कर रख देते हो भूस के कमरे में, यानी भूस में जिसे छुपा कर रख देते हो, वही सिल्ली है ये। ठीक है, इससे दोस्तों क्या होता है, इस सिल्ली से एक दोस्तों गुम्बद के आकार का घर या झोंपड़ी बना दी जाती है, तो दोस्तों उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है इग्लू। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि इग्लू क्या है, गुम्बद के आकार का एक घर या झोंपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है। प्रश्न पूछा हुआ है यूपी पुलिस 2011 और 2013 बैक टू बैक। अगला प्रश्न, प्रचन्न या छिपी बेरोजगारी क्या है? दोस्तों 2013 यूपी पुलिस में आया था कि जब प्रचन्न या छिपी बेरोजगारी होती है वो दोस्तों क्या होती है, तो वो होती है अनुउत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। क्या होती है? अनुउत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो आप रट लीजिए ये प्रश्न दोस्तों, जेल वार्डन की परीक्षा के लिए काफी खास होने वाले हैं। अगला प्रश्न, चंबल किन राज्यों से होकर बहती है? तो दोस्तों चंबल के बारे में आपको मैं बता दूं कि चंबल नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों जानापा पहाड़ी से है, और चंबल नदी जो है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से। किस किस से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर चंबल नदी बहती है, गुजरती है। अगला प्रश्न दोस्तों, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक विस्तृत विवरण किया, वह कौन है? तो दोस्तों वो है निकोलो कोंटी। कौन है? निकोलो कोंटी, रट लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? 2011 और 2013 में बैक टू बैक पूछा हुआ प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों ये निभाई थी जो रियासतों का एकीकरण किया था। अगला प्रश्न, चरकुला नृत्य ... से संबंधित है? तो दोस्तों चरकुला जो लोक नृत्य है ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है यूपी पुलिस 2013, चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से, और 2018 में भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? यूपी पुलिस 2013 पूछा हुआ प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज। सब क्या लगाते हैं? थानेश्वर। तो हर्षवर्धन की दोस्तों राजधानी कौन सी थी? कन्नौज, रट लीजिए। थानेश्वर लगाते हैं सब इसको। ठीक है, अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ। और लास्ट प्रश्न, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है? तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? बिट्स के द्वारा। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के सभी उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस और जेल वार्डन और या अन्य उपयोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ये थे इस वीडियो के सभी उपयोगी प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।